नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों आज सीजीपीएससी मेंस कंसेप्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम साइंस का एक टॉपिक देखने वाले हैं। साइंस में आज हम 2021 में पूछे गए एक प्रश्न को हम लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, पाचन से संबंधित। पाचन क्या है, ठीक, और पाचन मनुष्य में पाचन की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, मनुष्य में पाचन के अंगों की चर्चा करें। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये था कि मनुष्य में पाचन के अंगों की चर्चा करें। पाचन के अंगों की चर्चा करें, अंगों की चर्चा करें, ठीक है। तो हम इस प्रश्न से आगे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अंगों की चर्चा करेंगे, लेकिन अंगों के चर्चा करने के अलावा हम प्रश्न से थोड़ा सा इसको हम और अपने तरफ से एलोबोरेट करेंगे बड़ा प्रेस में। एक्चुअली ये प्रश्न पूछा गया था ठीक 4 नंबर में, लेकिन अगर इसी को अगर 10 नंबर में अगर पूछ दिया जाता, बड़े नंबरों में पूछ दिया जाता, तो उसको हम कैसे लिखेंगे उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा है कि मनुष्य के पाचन अंगों की चर्चा करें। तो सबसे पहली बात, पाचन क्या होती है, ठीक है। पाचन का मतलब होता है जो भोज्य पदार्थ हम जो इंटेक करते हैं, वो भोज्य पदार्थ जो है, ठीक है, रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए वो कैसे होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। और शरीर को चाहिए उसके सरलतम रूप में, सबसे छोटे रूप में, ठीक है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को शरीर जो है अपने अलग अलग मैकेनिज्म के माध्यम से तोड़ के उसको सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, जिसका शरीर में पाचन और अवशोषण आसान हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, हम सेब खा रहे हैं, लेकिन सेब में है क्या, सेब में मान लीजिए विटामिन है, ठीक है, प्रोटीन है। तो ये विटामिन और ये प्रोटीन, ये सरल भोज्य पदार्थ है, ये हमको कैसे प्राप्त होंगे, तो डायरेक्ट उस फॉर्मेट में नहीं होते हैं, सेब में, रोटी में, चावल में, ये जो है, ठीक है, इसको हमको तोड़ना पड़ता है। यानी हमारा शरीर क्या करता है, इसमें जो जटिल भोज्य पदार्थ है, उसी जटिल भोज्य पदार्थ को उसके अवयवी अंगों में, यानी उसके अवयवी भागों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। और जब सबसे सरल पदार्थ बन जाता है, तो उसी सरल पदार्थ को शरीर हमारा क्या कर लेता है, अवशोषण करके कोशिकाओं में पहुंचा देता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, वहां से हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है, एनर्जी विमुक्त होगा, ठीक है। तो समझिए इस चीज को, पाचन मैंने आपको बता दिया पाचन क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करना। अब कर लेते हैं चर्चा पाचन से संबंधित अंगों की। पाचन सबसे पहले कहां से प्रारंभ होता है, तो पाचन के लिए हम भोजन को करना पड़ता है। देखिए, भोजन को हम इंटेक करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को हम मुख के माध्यम से खाते हैं, ठीक है। मुख के माध्यम से वो आहार नाल से हमारे स्टोमक यानी जठर में जाता है, क्लियर है, ठीक है। जठर के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत के भी अलग अलग हिस्से हैं, छोटी आंत के भी अलग अलग हिस्से हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं, ठीक, सबसे पहले हमारा भोजन जाता है मुख में, यानी माउथ में, ध्यान रखिएगा। देन आफ्टर हमारा भोजन जाता है माउथ के बाद ओसोफेगस के माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, आहार नाल के माध्यम से जाता है पेट में, उदर में, ध्यान रखिएगा, किसमें, उदर, स्टोमक में, ध्यान रखिएगा, स्टोमक के बाद ध्यान रखिएगा हमारा जो भोजन है वो जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा भोजन जाता है बड़ी आंत में, ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत में, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन, देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन का एक हमारा भाग है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, उसके माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से भोजन जो है बाहर निकल जाता है। ये बड़ा सिंपल सा है। अगर अंगों की चर्चा पूछा है 4 नंबर में पूछा है, ठीक है, तो 4 नंबर में आप ये चर्चा करेंगे कि जो भोजन होता है, भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम रोटी है, रोटी देखिए किस फॉर्मेट में होता है, बाहरी रूप में, ठीक है, हम दांतों के माध्यम से रोटी को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, लेकिन जो दांत है, दांत कहता हूं, दांत में जब हम उसको क्रश करते हैं तो स्लाइवा हमारे जो मुख ग्रंथि में, ठीक, स्लाइवा है, स्लाइवा का मतलब क्या हो गया, लार जो है भोज्य पदार्थों से मिलता है, जिसमें टाइलिन, एमाइलेज इत्यादि एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम का काम क्या है, ध्यान रखिएगा, टाइलिन जो है ये
हमारे भोज्य पदार्थ को जो मुख में है उस मुख के भोग पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उस पॉलीसेकेराइड को ये डाइसेकेराइड में तोड़ देता है और डाइसेकेराइड के रूप में है क्या माल्टोज। ठीक है एक एक करके मैं समझाता हूं। ठीक मुख में किस चीज का पाचन होता है। ठीक है अब पहले अंगों की चर्चा कर लिए ना मुख। मुख के बाद आहार नाल से होता हुआ उदर में जाता है, उदर के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत में। अब हम पहुंचते हैं ठीक एक डायग्राम में और डायग्राम के माध्यम से सारी चीजों को देखते हुए आगे चलते हैं। देखिए ठीक है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इंक्लूडेड होता है एसोसिएटेड होता है हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स से। ठीक है जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्या कहते हैं मुख से लेकर जो गुदा द्वार है ठीक है इसको पूरा कंबाइंड रूप से हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक माउथ हो गया, फ्रैंक्स हो गया, ठीक एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक ध्यान रखिएगा पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में काम आता है जो सहायक ग्रंथियां हैं पाचक ग्रंथियां जिसको कहते हैं जैसे सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में यानी उदर में होता है जठर ग्रंथि, उसके बाद लीवर, लीवर मतलब यकृत, ठीक है अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, और आंत के अंदर की जो आंत्र ग्रंथियां हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब मिलके भोज्य पदार्थों को अलग अलग स्टेज में के अलग अलग तत्वों को तोड़ता है। सभी तत्वों में सब काम नहीं करता है, कोई प्रोटीन को पचाने काम करता है, कोई वसा को पचाने काम करता है, कोई कार्बोहाइड्रेट को पचाने काम करता है, ये सब अलग अलग काम है आपका क्या कहना चाहिए श्रम विभाजन है। ठीक है यहां पर देखिएगा जो अलग अलग ग्लैंड है ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को निकालती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं वो जो भोज्य पदार्थ है वो किन किन माध्यमों से ठीक है उसका पाचन होता है। सबसे पहले शॉर्टकट में हम देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम मुख से पाचन की चर्चा करते हैं। ये जो हमारा माउथ है जब यहां पर भोज्य पदार्थ आता है तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले यहां पर लार निकलता है। ये जो लार है इस लार में होता है टाइलिन, ध्यान रखिएगा टाइलिन, साथ ही साथ लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम ध्यान रखिएगा जाइम। ये जो लाइसोजाइम है ये एक्चुअली में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो भोज्य पदार्थ हम इंटेक करते हैं इस भोज्य पदार्थ में बहुत सारे हानिकारक छोटे छोटे जीवाणु पहुंच जाते हैं। ठीक है ध्यान रखिएगा बाय एनी मीन। ठीक है अब ये छोटे छोटे जीवाणु को हमारे शरीर ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि वो लार में ऐसा हमारे पास एंजाइम है कि उस एंजाइम के मदद से वो छोटे छोटे बैक्टीरिया यहां पर मारे जाते हैं। ठीक है तो लाइसोजाइम का काम है कि मुख में ठीक हानिकारक बैक्टीरियाओं को समाप्त करना। अब आ जाता है टाइलिन, ध्यान रखिएगा टाइलिन, टाइलिन का काम क्या है। देखिए मुख में पाचन किस चीज का होता है तो मुख में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान रखिएगा कार्ब का, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है क्या ये पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं इसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, बहुत सारे शर्कराओं का योग। ठीक पॉली मतलब ध्यान रखिएगा पॉलीसेकेराइड मतलब ग्लूकोज, जैसे ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इस प्रकार के ग्लूकोज का एक लंबी श्रृंखला रहता है, यही कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा यही कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ये टाइलिन क्या करता है, ये टाइलिन जो है इसी पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदल देता है, डाई मतलब दो, ठीक है ध्यान रखिएगा डाइसेकेराइड में बदल देता है, ध्यान रखिएगा डाइसेकेराइड में बदल देता है। ठीक डाइसेकेराइड में यानी कि ये कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ देता है दो दो के हिस्से में, ठीक दो दो और दो, तो ये जो दो हिस्सा है इसी को हम डाइसेकेराइड कहेंगे, इसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे, इसको डाइसेकेराइड हुआ ना। ठीक ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला थी, उस लंबी श्रृंखला को उसने दो 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 करके तोड़ दिया, यही जो दो दो की जो श्रृंखला है यानी अब वो यूनिट हो गया, अब इसी को हम कहते हैं माल्टोज। ठीक है ध्यान रखिएगा इसी का नाम अगला पड़ता है माल्टोज। सैकेराइड डाइसैकेराइड क्या हो गया, यही है माल्टोज, यानी कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है, जितना हम भोजन करते हैं उसका कुछ प्रतिशत को ही मुख में क्या होता है टाइलिन के माध्यम से इसका पाचन होता है। उसके बाद भोजन जो है ठीक बोलस के रूप में, देखिए नाम बदल जाता है ना, ठीक निवल वो बोलस के रूप में फरेंक्स के माध्यम से एसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में पहुंचता है। ठीक अब पेट में देखिएगा जठर रस है, ठीक है जठर रस, जठर रस में जैसे ही पेट में भोजन पहुंचता है तो अब देखिए वो पहले से ही तैयार रहता है। ठीक क्योंकि जो भोजन मुख से आ रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक है ध्यान रखिएगा उसका नेचर बेसिक है, बेसिक मतलब क्षारीय नेचर का है। ठीक है यानी मुख में, मुख से जो भोजन लार में सन के पेट में पहुंचता है वो क्षारीय रहता है। ठीक है लेकिन जो जठर ग्रंथियां हैं, जो जठर ग्रंथियां जिन रसों को निकालती है वह हमेशा काम करती है किस माध्यम में,
वो काम करती है अम्लीय माध्यम में, इसलिए सबसे पहले HCl निकलता है। ध्यान रखिएगा HCl क्या है, अम्ल है। वो HCl के दो काम, HCl का पहला काम है कि भोजन में जो हानिकारक भोज्य पदार्थ है, यानी हानिकारक भोज्य पदार्थ नहीं कहना चाहिए, हानिकारक जो जीवाणु है उसको नष्ट करता है, पहला तो मुख में और दूसरा यहां पर, ठीक। और एक और काम करता है कि वो पेट के माध्यम को क्या कर देता है, अम्ली कर देता है, हल्का सा एसिडिक कर देता है, ताकि जो जठर रस के बाकी एंजाइम है वो अच्छे से काम करें, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पेट में पाचन किस प्रकार से होता है। अब पेट में पाचन प्रारंभ होगा, HCl जो है ऑलरेडी निकल गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, HCl के निकलने से पहले, ठीक है, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं हमारे पेट में, वो म्यूकस ग्लैंड जो है म्यूकस निकाल देते हैं। ध्यान रखिए, म्यूकस मतलब, ठीक है, एक तरल पदार्थ होता है, वो तरल पदार्थ पूरे पेट की सतह पे लग जाता है। उसका फायदा यह है कि जब वो तरल पदार्थ पेट की सतह पे लग जाता है तो जो HCl निकलता है वो HCl जो है डायरेक्ट पेट की सतह से कांटेक्ट में नहीं आता। अगर मान लीजिए श्लेष्मा नहीं निकला होता, म्यूकोसा नहीं निकला होता, या म्यूकस नहीं निकला होता, तो वो जो HCl है, ठीक, कहीं ना कहीं पेट की आंतरिक सतह को जला देता, ठीक है। ये अधिकतर तब होता है जब लोग ज्यादा उपवास करते हैं, तो देखिएगा एसिडिटी बनने लगता है। एसिडिटी इसलिए बनने लगता है कि भोजन नहीं है, ठीक है, और HCl अपने टाइम से निकल रहा है और वो अपना गुण तो प्रदर्शित करेगा ही। अब हम देख लेते हैं पेट में पाचन कैसे होता है। तो पेट मतलब आमाशय, में ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक है। एक तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, मुख में, ठीक है, किस रूप में, ठीक है, उसके हम चर्चा कर चुके हैं। अब होगा वो छोटी आंत में। अब देखिएगा यहां पर प्रोटीन और फैट का पाचन होता है, लेकिन इसका भी आंशिक पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन यहां पर नहीं होता। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक, इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें लाइपेज पाया जाता है, इसमें पेप्सिन पाया जाता है, HCl हो गया हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, लाइपेज पाया जाएगा और पेप्सिन पाया जाएगा। एक एक करके काम देखिए, ठीक है, ये जो पेप्सिन है, ठीक, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पेप्सिन इस रूप में नहीं रहता, ये पेप्सिनोजिन के रूप में रहता है। तो सबसे पहले उसी को टारगेट करते हैं, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन हमारे पेट में, हमारे जठर में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, जो कि इनएक्टिव होता है, ठीक, जब ये, ठीक है, HCl के संपर्क में आता है। ध्यान रखिएगा, जठर ग्रंथि में, जठर में यानी उदर में, यानी कि आमाशय में, उदर नहीं कहना चाहिए, आमाशय कहना चाहिए, जब पेप्सिनोजिन पहुंचता है तो पेप्सिन HCl के संपर्क में आके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा, नाम वही है ना, पेप्सिनोजिन ही पेप्सिन है, लेकिन एक फॉर्मेट है इनएक्टिव है, अक्रिय है, और दूसरा जो पेप्सिन है ये एक्टिव है, यानी कि अब वो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि जो पेट में जो भोज्य पदार्थ है, किस रूप में, प्रोटीन के रूप में, ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन के रूप में। अब ये प्रोटीन जो है, ठीक है, पेप्सिन के संपर्क में आएगा और प्रोटीन जो है प्रोटीओज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीओज में, और साथ ही साथ पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, दो चीजों में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा, जैसे कि जितना हमने मान लो, ठीक, जितना भी इंटेक किया प्रोटीन, ये पूरा प्रोटीन जो है, ठीक है, वो टूटता नहीं है, कुछ मात्रा में टूटता, कुछ मात्रा में बचा रहता है, यानी कि यहां भी आंशिक पाचन होता है। तो अभी भी प्रोटीन बचा हुआ है, अभी भी प्रोटीओज बचा हुआ है, अभी भी पेप्टोन्स बचा हुआ है, ठीक, जो कि आगे जाएगा। फिलहाल बहुत सारे प्रोटीन के जो पार्ट है, प्रोटीन जो है वो पेप्सिन के संपर्क में आके प्रोटीओज और पेप्टोन्स में टूट गया, इतना मान के चलिए 40-50% तक की बात है। फैट, आपके आपने जो भी वसा खाया है, ठीक है, जो भी वसा, चाहे घी के रूप में खाया हो, पराठा खाया हो, या आप बटर खाए हैं, जब उसको आपने खाया है तो मुख में उसमें कुछ नहीं हुआ है, पेट में हुआ है। पेट में कौन उसमें काम करने वाला, लाइपेज काम करने वाला है, लेकिन यह भी पूरी तरीके से नहीं तोड़ता। लाइपेज में होते क्या करते हैं, वसा का इमल्सिफिकेशन कर देते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या, जैसे पानी में हमने एक गिलास मान लो तेल डाल दिया और उसको मिला दिया, तो पानी जो है अपने छोटे छोटे, ठीक, अवयव में टूट जाती है। पानी बोलता हूं तेल, आप देखे होंगे एक गिलास पानी में आप एक चम्मच तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल या रिफाइंड तेल, ये सरसों का तेल डालिए पहले, क्योंकि थोड़ा डार्क कलर का होता है। उसके बाद चम्मच से घोल के देखिए, अगर नहीं घोलेंगे तो एक जगह मिलेगा वो, अगर घोल देंगे तो छोटे 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 तेल के टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो वसा था अब वो टूट गया, छोटे 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 अवयव में बट गया। इससे क्या होगा, इससे ज्यादा सरफेस मिलेगा उस पे काम करने के लिए। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छोटी आंत में पाचन, ठीक है, बड़ी आंत से अब भोजन
भोजन जो है निकल के कहां पहुंचेगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत के भी तीन हिस्से, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन हिस्से हैं। हम एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक। ये जो छोटी आंत में जो भोजन पहुंच रहा है, ये जो है जिस प्रकार मुख से भोजन बोलस के रूप में पेट में आया, ठीक है, पेट से भोजन उसी प्रकार से आता है, ठीक, हमारे पास कहां पर, छोटी आंत में। ये रहा पेट, ठीक है, पेट के बाद आ गया छोटी आंत। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है उसको हम ड्यूओडेनम कहते हैं, ड्यूओडेनम मतलब ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। अब हम देख लेते हैं यहां पर क्या क्या होता है, ठीक। तो यहां पर होता है, ध्यान रखिएगा, यहां छोटी आंत में यकृत से, ठीक, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में यकृत से भोज्य पदार्थ आते हैं, ठीक। क्या आते हैं, भोज्य पदार्थ, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये यकृत है, यकृत से आते हैं भोज्य पदार्थ, बोलता हूं, यकृत से आते हैं पाचक एंजाइम्स। ये यकृत से यहां पर पाचक एंजाइम्स आएगा, यहां पर अग्नाशय है, पैनक्रियाज यहां से भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंत का जो पहला हिस्सा है, छोटा हिस्सा, ठीक, यानी सबसे पहला हिस्सा, ठीक, वहां पर तीन जगहों से, ठीक, एंजाइम्स सीक्रेट होता है। तीन जगह क्यों कहा, पहला तो ये खुद हो गया लीवर, लीवर का जो एंजाइम है वो, ठीक है, पित्ताशय में संकलित होता है, पित्ताशय से वो आता है ड्यूओडेनम के पास, इधर से पैनक्रियास से भी आता है ड्यूओडेनम के पास से, तो दो जगह हो गया। और खुद जो आंत होती है, आंत की आंतरिक सतह से में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो आंत रस का श्रावण करते हैं, इसलिए तीन प्रकार के एंजाइम यहां पर मिलेंगे। एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है, यकृत से, ठीक, मिलता है हमको पित्त, बाइल, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये क्या करता है, ये का काम हमारा रहेगा, वसा का जो इमल्सिफिकेशन उसी में काम आएगा। लेकिन साथ ही साथ जान लेते हैं अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय रस जिसमें ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडाज, पेनक्रियाटिक लाइपेज पाया जाता है और न्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है। ये सब एंजाइम मिलके, ध्यान रखिएगा, ये सब एंजाइम मिलके आगे काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर छोटी आंत में अग्नाशय के ये सारे एंजाइम, ठीक है, लेकिन ये सारे एंजाइम की खास बात यह है दोस्तों कि ये सब निष्क्रिय रहते हैं। यहां पर एक छोटा सा काम आता है एक और एंजाइम, ठीक, जिसका नाम है इंट्रोकाइनेज। ध्यान देखिए, आंत के ही रस में, ठीक है, यानी आंत के म्यूकोसा में, ठीक, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है, ठीक है, इंट्रोकाइनेज, या मैं ये कहूं कि आंत में आंत का म्यूकोसा भी मिलता है, ठीक, दो तरीके से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। पहला तरीका यह है कि आंत में, ठीक, आंत का म्यूकोसा मिलता है, ठीक, दूसरा इंट्रोकाइनेज एंजाइम मिलता है, और इन दोनों की वजह से जो ट्रिप्सिन है जो कि निष्क्रिय था, ठीक, सॉरी, ट्रिप्सिनोजिन जो निष्क्रिय था, ये ट्रिप्सिन में बदल जाता है, किसमें, ट्रिप्सिन में, ठीक, देखो ट्रिप्सिनोजिन है, ये जो है ट्रिप्सिन में बदल गया, ट्रिप्सिन सक्रिय है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये ट्रिप्सिन जो है बाकी के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्राइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडाज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियस एंड एमाइलेज, यही ट्रिप्सिन जाके बाकी सबको जगा देता है, उठो दोस्तों भोजन का पाचन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हुए देखते हैं छोटे आंत में पाचन जो है किस प्रकार से होता है, एक एक करके, ठीक है। देखिए ग्रहणी जो कि इसका पहला हिस्सा है, यहां पर बाइल जूस आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो बाइल जूस है, ठीक, ये क्या कर रहा है, बाइल जूस मतलब पित्त, ये वसा का इमल्सिफिकेशन कर रहा है, उसके छोटे छोटे कण में तोड़ दिया, यानी कि, ठीक है, पेट में हमने फैट का आंशिक पाचन बताया था, वहां भी प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ था, ठीक, पूरी तरीके से पचा नहीं था, तो यहां पर जो वसा के जो कण बचे हैं उस कण को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, ठीक है, पित्त रस, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और चीज है कि इसी पित्त रस की वजह से जो लाइपेज एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है, ध्यान रखिएगा, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब भोजन पहुंच जाता है एक स्टेप और आगे, ध्यान रखिएगा, एक स्टेप और आगे, ठीक है। अब छोटी आंत में हम अगला प्रक्रिया देखते हैं, अगला प्रक्रिया यह है कि यहां पर प्रोटीन का भी पाचन होता है, ठीक, जो कि प्रोटीन, देखिए प्रोटीन मैंने पहले बताया था कि प्रोटीन जो है पेट में, ठीक है, प्रोटीन किस में बदल गया था, पेप्टिडाज में, ठीक है, और पेप्टोन्स में बदल गया था, लेकिन ये तीनों के तीनों वर्तमान थे मतलब उपस्थित है, ठीक, पूरा का पूरा प्रोटीन पेप्टिडाज और आपका पेप्टोन्स में नहीं बदला था, ठीक। तो अभी भी हमारे छोटी आंत में प्रोटीन पाया जाएगा, अभी भी पेप्टोन्स पाया जाएगा और प्रोटीओस पाया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा जो आंत है, आंत में जो ट्रिप्सिन जो अभी अभी बना है वो ट्रिप्सिन काम करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिए, ट्रिप्सिन जो है पाचन करेगा छोटी आंत में, और वहां पर कौन से क्या था, पेप्सिन क्या था, ठीक, ध्यान रखिएगा, पेप्सिन भी अपने
निष्क्रिय फॉर्मेट में था, ठीक है, पेप्सिन नोजिन के रूप में, यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है आपके निष्क्रिय रूप में था, ट्रिप्सिन नोजिन के रूप में, दोनों को जगाने वाला चाहिए था, दोनों को अलग अलग एंजाइम ने जगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है इस पे काम करेगा, लेकिन साथ में काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडाज भी रहते हैं जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं डाइपेप्टिज में, ठीक, ध्यान रखिए डाई मतलब दो, दो पेप्टिज में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि यह अपने सरलतम रूप में आ गया, ठीक, ध्यान रखिएगा प्रोटीन के सबसे सरलतम रूप अब डाइपेप्टाइड में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भोजन जो है, ठीक, ध्यान रखिएगा, अब भोजन का नाम अब पहले से ही है ना, जब छोटी आंत में आए तो उसको हम काइम कहते हैं। ये जो काइम में कार्बोहाइड्रेट अग्नाशय इमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड का जल अपघटन हो जा रहा है, एक अलग फैक्ट है, ठीक, काइम में जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का पहला पाचन मुख में, अब सीधा छोटी आंत में, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि अग्नाशय में मिलने वाले एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में बदल गया, डाई मतलब दो, यानी कि ठीक, फिर मैं बताया हूं कि मुख में ठीक पूरे का पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ था, ठीक है, कुछ अंश में अभी भी बचा था, वो अब पेट में भी उसका नहीं हुआ है, वो अब कहां हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है, छोटी आंत में जितने भी बचे हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है कार्बोहाइड्रेट, वो टूट जाता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब ग्लूकोज के दो अणु जी और जी में, वो पहले एक श्रृंखला में थी, ठीक है, और उसी का नाम है माल्टोज, ठीक है। अब देखिएगा जो कि पॉलीसैकेराइड से, ठीक है, डाइसैकेराइड में बदल गया, यानी माल्टोज में, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो वसा है वो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, वसा अब लाइपेज में से मिल रहा है, देखो यहां पर, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, लाइपेज से नहीं मिला था, इससे पहले वसा पेट में काम हुआ था, पेट में उसका इमल्सिफिकेशन हुआ था, ध्यान देखिएगा, यहां पर छोटी आंत में लाइपेज इसको, ठीक है, दो चीजों में तोड़ देगा, ठीक है, ध्यान रखिए ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है, और यही ग्लिसरॉल आगे जाके मोनोग्लिसरॉल में बदल जाता है, ध्यान देखिएगा डाइग्लिसरॉल से मोनोग्लिसरॉल में बदलता है, पहला हो गया वसा, लाइपेज आया, ठीक, कौन सा लाइपेज, हमारा अग्नाशय का लाइपेज, वो क्या करता है इसको डाइग्लिसरॉल में बदल देता है, साथ ही साथ थोड़ा सा और जो आपका लाइपेज है वो फिर तोड़ता है उसको मोनोग्लिसरॉल में, यानी अब वसा जो इमल्सिफिकेशन हुआ था, पाचन नहीं हुआ था, छोटे छोटे हिस्से में बटा था, अब वो छोटा जो हिस्सा है उसी को डाइग्लिसराइड में बदल दिया, और फिर वहीं पर उपस्थित फिर लाइपेज, ये वही लाइपेज है ना, ठीक, फिर इसको मोनोग्लिसरॉल में बदल, मोनो मतलब सिंगल, अब इससे छोटा ये नहीं टूटने वाला है, ठीक, आगे आइए, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी भी चल रहा है, अभी आंत रस है, ठीक है, आंत रस में बहुत सारे और चीज पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो है अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइड है, ठीक है, आंत रस में डाइपेप्टिडेज के नाम से आपका एंजाइम पाया जाएगा, जो एंजाइम जिस चीज को तोड़ेगा उसका नामकरण उसी हिसाब से रखा गया है, जैसे कि ठीक डाइपेप्टाइड, देखो डाइपेप्टाइड क्या है, अभी टूटा है प्रोटीन, प्रोटीन से देखो पिछला, देखो डाइपेप्टाइड यहीं पर है, डाइपेप्टाइड देखिए यहां पर प्रोटीन टूटा है, अभी यही प्रोटीन जो कि कुछ मात्रा में प्रोटीन था, कुछ मात्रा में पेप्टोन्स था, कुछ मात्रा में पेप्टिडोज था, यही टूटा है डाइपेप्टाइड में, यही डाइपेप्टाइड आगे आया है हमारे यहां पर, यह डाइपेप्टाइड जो है, ठीक है, आंत रस के एंजाइम, ध्यान रखिएगा ना, डाइपेप्टिडेज के माध्यम से एमिनो अम्ल में टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, एमिनो अम्ल में, तो ये हो गया अपने सरलतम रूप में, अब जो है इससे सरलतम रूप नहीं जाने वाला, ठीक, अभी भी हमारे पास जो, देखो हमने जब कार्बोहाइड्रेट खाया था मुंह में, तो मुंह में वो पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड बदला था, डाइसेकेराइड को माल्टोज कहते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटे आंत में भी यही प्रोसेस हुआ था, ठीक है, अब आंत में ध्यान रखिएगा आंत रस फिर इसको मतलब तोड़ने वाला है, अब सब का सब किस चीज में बदला था, माल्टोज में था, माल्टोज क्या है, ग्लूकोज का दो अणु, देखो माल्टोज ग्लूकोज के दो अणु है, अब माल्टेज मिलता है उसको सिंगल सिंगल ग्लूकोज में तोड़ देता है, ग्लूकोज के एक एक अणु में, अब इससे छोटा क्या नहीं होगा ना, ठीक, तो ग्लूकोज जो है, ठीक, जो कि पॉलीसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड हुआ और डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड हुआ, मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक-एक अणु में ये टूट गया, अब इसका भी मामला निपट गया, अब आ जाइए मिल्क जो कि लैक्टेज होता है, ध्यान रखिए लैक्टोज, ठीक, इसमें लैक्टेज एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, ठीक है, सुक्रोज जो कि मीठा होता है, सुक्रेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ठीक है, जितने भी बचे हुए डाई मोनो, देखिए डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड,
देखिए यहां पर ये डाइग्लिसराइड और ये मोनोग्लिसराइड, ये बचा है। अब ये जो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड फिर लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसराल में टूट जाता है। अब ये सबसे छोटा है, ठीक, अब इसका हिसाब किताब नहीं है। ये सब का सब जो है काम हो रहा है ड्यूओडेनम में, यानी हमारे छोटी आंत के पहले हिस्से में। अब आ जाइए छोटी आंत के पहले हिस्से में के बाद भोजन आगे बढ़ता है, ठीक है, कहां पर बढ़ता है, ठीक, ध्यान रखिएगा बड़ी आंत की ओर, ठीक है, कहां पर बड़ी आंत की ओर, छोटी आंत के ड्यूओडेनम हो गया, ठीक, ड्यूओडेनम के बाद कहां पर बढ़ेगा, जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम, ठीक है। देखिए इलियम में क्या होता है, छोटे छोटे प्रवर्द पाए जाते हैं जहां पर उसका अवशोषण होता है, उस चीज की चर्चा यहां पर नहीं की गई है, केवल पाचन की चर्चा की गई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ड्यूओडेनम के बाद आता है जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम, इलियम में उंगली नुमा छोटे छोटे प्रवर्द पाए जाते हैं, छोटे छोटे फिंगरिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, फिंगरिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, अतिरिक्त सरफेस प्रदान करते हैं जो भोज्य पदार्थ अपने सरल सरल तत्वों में टूट गया था, जैसे कि देखिए एमिनो अम्ल सरल तत्व है, ग्लूकोज भी सरल तत्व है, श्री ग्लैक्टोज और ग्लूकोज भी सरल तत्व है, देखो ग्लूकोज है ही सरल, यहाँ फ्रक्टोज भी सरल तत्व है, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल, इन सभी को वहां पर अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होकर सीधे से रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। जो हिस्सा बच गया वो हिस्सा आता है अब बड़ी आंत में, यहां से छोटी आंत खत्म, यहां से इंटर करता है, ठीक है, यहां पर ये है हमारा बड़ी आंत का पहला हिस्सा, इसका नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम। सीकम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सहजीवी बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हमारे साथ साथ रहते हैं, ये काम करते हैं पर, ये यहां पर ना जो अतिरिक्त भोज पदार्थ सड़ने वाले रहते हैं उसको डिकंपोज करने का काम करते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, जो भोज पदार्थ था, ठीक, उस भोज पदार्थ अब यहां पर पहले हिस्से में पहुंच गया सीकम में, सीकम के बाद कोलन, कोलन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद ये बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि छोटे आंत के जो जेजुनम और इलियम में जो भोजन का अवशोषण होता है और जो अवशोषित भोज पदार्थ वो बड़ी आंत में आ गया, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर अवशोषण जरूर होता है। अब जो भी पदार्थ बच गया, चाहे वो खनिज हो गया, जल हो गया, और जो हम दवाई खाते हैं ना उसका भी, ठीक, तो मैं बता दूं जल खनिज और जो भी औषधि है यहाँ पर उसका अवशोषण होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी बचा, जो भी बचा वो पदार्थ है वो मल के रूप में रेक्टम में जमा होता है और बाहर निकल जाता है। तो ये है प्रोसेस हमारे पाचन का, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। समय के अभाव में हमने इसको इस तरीके से बताया, अभाव का मतलब है कि हमको कम समय में ही बताना है, ठीक है। बाकी चीजों तो यहां पर क्लास में चलती ही है, लाइव क्लास में आपने इस सारी चीजों को देख लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मुख में पाचन किस प्रकार से होता है, अमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है, छोटी आंत में किस प्रकार से पाचन होता है, छोटी आंत के बाद पाचन नहीं होता है, ठीक, वो बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।